नया बढ़ रहा है कि शेड्यूल चेंज कर लो और 700K का अभी तो लोग बोलेंगे अभिषेक का है भाई जिनके थ्रू होने वाली है उनने बोला कि मैं कराऊंगा तो अचानक से शॉक पड़ रहा है ये मसल साइज बचाते हुए थैंक यू फॉर द केक Guys, welcome back to the channel again. हमने थोड़ा चेंजेस कराए हैं क्योंकि प्रेप बिल्कुल सीरियस चल रही है तो इसलिए पोजी रूम बनाया पोजी रूम तो पहले भी था मतलब ये वाला मिरर लेकिन हमने पीछे भी एक मिरर लगवाया बैक पोज पता चले भाई क्या लगा रहा हूँ मैं इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है देख के अब देख के अच्छे से पकड़ के मसल खुलने लग गई है एक सस्पेंसफुल वीडियो होने वाली है आगे पता चलेगा थॉट टॉपिक कोचिंग में थोड़ा चेंज किसके अंडर ले रहे हैं हम कोचिंग अब वो भी इस टाइम पे पीक 3 वीक्स आउट में हमने किसको चेंज किसको हायर किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं मतलब पहले ओमार के थ्रू चल रही थी लेकिन ओमार के थ्रू नहीं चल रही है अब मतलब 4 वीक्स से जो लास्ट वीडियो थी जब से ही चेंज हुआ है रीजन भी ये कि क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कुछ है मैं पूरा 100% दे रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि कोच भी 100% दे उनके थ्रू मतलब कि डाइट और वर्कआउट पुश कराते तो गुरु जी थे शेड्यूल वेड्यूल भी खुद ही बोलना पड़ रहा है तो फिर इसलिए इन दी एंड अभी और चेंजेस बहुत स्लो हो रहे हैं जैसे लास्ट टाइम थे स्टेटस चेक इन भी कम कर दिए तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लेना इस बार अच्छी गई थी प्रेप बट अभी और अच्छा करना है जिनके थ्रू होने वाली है उनने बोला कि मैं कराऊंगा तो आगे पता चल जाएगा कौन है अभी जस्ट उठाऊं मैं कार्डियो करके आऊं अपना फास्टेड और उसके बाद पोजिंग कर रहा हूं यहां पे अब मेरा कार्डियो दिन में 3 बार है मॉर्निंग तो फास्टेड है ही आफ्टर वर्कआउट भी है और इवनिंग में भी यहीं पर ही वो साइकिल दिख रही है ना उसका उपयोग कर रहे हैं हम एंड वर्कआउट भी 2 डेज वाला वर्कआउट है 2 दिन का वर्कआउट है तो 2 दिन का अभी समझ नहीं आएगा आपको आगे समझ आ जाएगा कि 2 डेज वर्कआउट क्या होता है वेरी यूनिक सो गाइस केक आया हमारे पास क्या बात है सोचो किस चीज का केक है ये केक है 700K का सो गाइस थैंक यू 700K कराने के लिए मॉम आ जाओ आपके लिए भाई मैं तो खा नहीं सकता आ जाओ भाई पहले निकाल तो दूं मैं इसको सो गाइस रिबन भी लगा रखा है सो गाइस ये अपूर्व ने भिजवाया है 700K की खुशी में वहीं से चल रहा है बैंगलोर से ही हाय गाइस हाय थैंक यू फॉर द केक काटो काटने के लिए भिजा है ना बस मैं खिला देता हूँ लो भाई 700 की खुशी में एक भी वीडियो नहीं बनवाई इनने लगातार 10 वीडियो से बनवा रहा मुझे साइड में फेंक दिया ठीक है बाय और इंस्टाग्राम पे भाई 40,000 बचे हुए वो हो ही नहीं रहे इतने दिनों से 1 मिलियन मैं सोच रहा हूँ कब आए 1 मिलियन तो गाइस वहाँ पे भी करा दो बर्थडे तक करा दो सो गाइस प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं और प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल लो कार्ब्स चल रहे हैं सुबह वाली मील में था ओट्स में जिसमें खाली 30 ग्राम कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता पपाया ऐड कर रखा है पपीता डाइजेशन के लिए क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो रखे हम अंदर से भी बाहर से हर जगह से ड्राई चल रहे हम और अभी मतलब काइंड ऑफ लो कार्ब चल रहे हैं ना तो गुड फैट बढ़ा दिया है और प्रोटीन इनटेक भी बढ़ा दिया है पहले 170 ग्राम चलता था अब 220 ग्राम प्रोटीन चल रहा है मील में इस मील 220 ग्राम चिकन प्रोटीन कह रहा हूँ कह रहा 220 ग्राम प्रोटीन लो कार्ब्स हो और प्रोटीन इनटेक हाई कर रहा था मसल साइज बचाते हुए इस गुड फैट के लिए इस पे मैं 1 चम्मच ऊपर से ऑलिव ऑयल डालूंगा ऑलिव ऑयल डालना था भूलिया भी डालता हूँ ये ऊपर से गुड फैट के लिए 1 चम्मच ही समझ लो इसको गुड फैट 4 टाइम कर दिया है लेकिन पीनट बटर नहीं कर रखा रात में एवोकाडो मील बाद में बताएंगे सब एक बारी में जान लो तो अभी तो लो कार्ब्स है और 0 कार्ब्स भी स्टार्ट होने वाले हैं सो गाइस मील के बाद मैं ले रहा हूँ मसल प्लेस का बायोजेम डेली मल्टीविटामिन और फिश ऑयल भी लेता हूँ मैं इसके हर सेशन में आपको मिलेगी 3 टेबलेट जो कि लोडेड है 100% RDA ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स लाइक विटामिन B1, B3, B6, आयरन जिंक और भी कई चीजें जो कि हमारी एनर्जी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव रखने में हेल्प करता है और ये स्पेशली क्राफ्टेड है फॉर एडवांस लिफ्टर्स इसको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है एंड यूज माय कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट सो गाइस जिम आ गए हैं और जैसे कि पता ही है कि ओमार के थ्रू चल रही थी हमारी कोचिंग और गुरुजी पुश करते थे वर्कआउट में लेकिन कोच चेंज बिल्कुल प्रॉपर चेंज कौन है आके मिल लो और गुरुजी बताएंगे क्या सीन है नमस्ते गुरुजी नमस्ते भाई वो नया कोच के बारे में बता नया कोच कौन आ गया तो वही कि अब गुरुजी के थ्रू ही पूरी प्रेप पहले खाली आप पुश करते थे वर्कआउट में अब पूरा प्रेप गुरुजी करा रहे हैं अब करा ही रहे भाई पिछले कई साल से करा रहे हैं आप वो
एक अलग सब्जेक्ट है वो करने बीच में हेल्प की उसमें बाकी गुरु चेला तो साथ ही हुआ अभी पहले भी थे स्टार्ट करता हूँ आज बॉडी भी करेंगे ठीक है देखते हैं कंडीशन सो बेसिकली पहले ऐसे था कि वो वर्कआउट और सब कुछ जो भी प्रेप का प्लान था वो मार के थ्रू था लेकिन अब पूरा गुरुजी कर रहे हैं गुरुजी की डाइट चल रही है और गुरुजी का ही वर्कआउट चल रहा है तो वर्कआउट भी डिफरेंट है वो जो बताया था मैंने टू डेज वर्कआउट तो आप भी सोच रहे हो कि इतना एंड में जाके वहाँ से मेरे को खुद ही बताना पड़ रहा है कि शेड्यूल चेंज कर लो और ये सब कुछ और फिर गुरुजी ने बोला कि चेंजेस बहुत स्लो आ रहे हैं तो इसलिए गुरुजी ने बोला मैं ही कराऊंगा तो उन्हीं के अंडर प्रेप मतलब पहले भी चल ही रही थी अब पूरा प्रॉपर डाइट और वर्कआउट भी उन्हीं का ही है कि अब ऐसे नहीं कि ये वाली एक्सरसाइज है वो खुद ही बताएंगे क्या एक्सरसाइज है ये चेंज हो गया और अभी लास्ट वीडियो से इस वाली वीडियो में कंडीशनिंग भी आपको दिख जाएगी अलग तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं यूनिक वर्कआउट है अभी पता चल जाएगा आपको सेकेंड डे वाला वर्कआउट है बैक टू ओल्ड डेज गुरुजी भी थोड़ा डिजिटल हो गया आईपैड में लिख के देते हैं पहले कॉपी में लिखते थे तो स्टार्ट कर रहे हैं लैट पुल डाउन रियर से जिसमें 5 सेट है 16 रेप और बॉडी पार्ट 3 बॉडी पार्ट है बैक बाइसेप्स फिर लास्ट में लेग्स कार्डियो में भी लिख रखा है क्रॉस ट्रेनर करना है खाली 30 मिनट और बीच में पोजिंग का भी लिखा हुआ है कि पोजिंग करनी है बैक बाइसेप्स का लगाना है लेग स्प्रेड का लगाना है तो वार्म अप था ये तो अभी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट बिल्कुल खतरनाक कमेंट्री लगे तो 12 छोड़ दियो इजी है लेंगे हाँ 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 बस 11, 12, 13, 14, 15, 16 चार और चल फसल बस चल 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 लो काफ्स में भी हाई काफ्स वाला रेस्ट टाइम पर मैं जो गुंजी लगा फिर मैं लगाऊँ 3, 4, 5, 9, 10, 11 2, 5, 6 छोड़ दे लास्ट 1, 2, 3 लेट्स गो स्क्वीज़ गजल 4, 9, 10 बस हो गई एक और चल 6, 7, 8, 9, 18, 19 बस हर एक्सरसाइज के बीच में बॉडी बिल्डिंग बहुत ज्यादा रखे हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए क्योंकि बैक खुलती ही नहीं ज़्यादा तो बीच बीच में करके 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 बस
फॉर्म ठीक थी? हाँ ठीक है। 1 2 3 14 15 16 दौड़ बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या चल रहा है? स्टेज वाली कंडीशनिंग के आसपास ही है, स्टेज भी गॉन। बोल रहे थे कि क्लीन शेव करा लो, कि कोई ओलंपियन जो नहीं है दाढ़ी लेके जाता है। मैंने कहा ओलंपिया में करा लेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो लोग बोलेंगे कि अभिषेक का है भाई। नीचे होल्ड करना पड़ेगा, दो सेकंड फिर तो मैं से थोड़ी ज़्यादा रहे, नीचे रोकना है, डबल बाइसेप लगाना है। हाँ चार लगा, चल तीन लगा, बस एक केला खा सकते हैं वर्कआउट से पहले? आप खा लो। लो कास्ट पे पुश करना डिफिकल्ट है, लेकिन हो जाएगा। जितना हाई में करते थे उससे ज़्यादा करना है पुश। कल से लो कास्ट स्टार्ट, कल से जीरो कास्ट स्टार्ट भी है, अगली वीडियो में पता चल जाएगा। बर्थडे वीक भी आ रहा है, अगला वीक बर्थडे वीक है और उसमें जीरो कास्ट स्टार्ट होने वाला है। बीच में हाँ, जब तक जीरो स्टार्ट करने, बिल्कुल एक दिन इसलिए बढ़ाई ताकि बूस्ट बढ़ जाए हमारी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। ट्यूजडे को, ट्यूजडे को एक बार नहीं, अब डिप्लीट, अभी नहीं डिप्लीट तो हो ही रहा है। हाँ अभी ट्यूजडे को एक बार और आप करेंगे, मैं देखता रहूँगा। अब ठीक चल रहा है, आप उस दिन आप कर लेंगे। ठीक है सुपर सेट की तैयारी हो रही है फोर आर्म्स के लिए। फोर आर्म्स पहले मैं ट्रेन ही नहीं करता था, लिखा ही नहीं होता, अचानक से शौक पड़ रहा है। ये भी बोल रहे हैं हमें क्यों तोड़ा जा रहा है।
कैलरीज बर्न होती है लेग से वर्कआउट में. मेन रीजन मेरे हिसाब से ये अब मेरा ज्ञान बोल रहा है बस. सब करने के बाद फाइनल क्लाइमेक्स 30 मिनट कार्डियो और लिखा हुआ है 30 मिनट खाली क्रॉस ट्रेनर करना है. एक और चीज़ बोल्ड लेटर में मेंशन करी है कि ब्रीथ तेज़ होनी चाहिए, नहीं तो कार्डियो कोई मतलब नहीं है. तो उसके लिए हम लेवल बढ़ा रहे हैं.